देखो भाई, देखो जुगाड़ देखो, ये हमारा नोजल वोजल की टंक सब पाइप वाइप तोड़ दिए। अभी देखो जुगाड़ चल रहा है, आधा फैल रहा है आधा। भाई यहाँ कर रहे हैं एक कैट के एक्सावेटर का स्विंग मोटर चेंज, हमारे गुरदयाल बाजी लगे हैं यहाँ पे। देख लो भाई 240 का पावर देख लो आप, ये बोलो बस, मशीन तो जबरदस्त है भाई। देख लो ये बूम पंप का प्रेशर है, आज बूम पंप से अपनी गाड़ी धो लेते हैं थोड़ी। लो भाई आ जाओ खाना खा लो। बाजी तो चालू हो गए, बंद होते हैं यहाँ पे चालू। क्या कारण है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं आज के रोड पे भी, मैं भी देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, अभी बढ़िया ही होंगे सब लोग। और इस टाइम पे और गाँव में कैम्प में, कैम्प में यहाँ पे हम लोग पंप के सामने, और यहाँ पे आप देख रहे हैं गाड़ियों में डीजल डालते हुए सब लोग। शिफ्ट चालू हो गई, टाइम हो गया 7:30 बजे का, और प्लांट भी कर रहे हैं अपन चालू। आज कुछ पीसी का लोड भी करने, अलग अलग लोकेशनों पे पेवर शिफ्ट करना है, सब कुछ करना है। तो बने रहिए इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो भाई, देखो जुगाड़ देखो, ये हमारा नोजल वोजल की टंक सब पाइप वाइप तोड़ दिए। अभी देखो जुगाड़ चल रहा है, आधा फैल रहा है आधा अंदर जा रहा है। राम भी उठाना उसको, ये देखो कैसे चल रहा है। देखो इसके आगे एक पाइप लगा रहता ना लोहे का, वो एक गाड़ी में लगाया था डीजल डाल के, गाड़ी वाले निकालना भूल गया और सीधे गाड़ी बढ़ा दिया गया तो पाइप टूट गया। काम खराब है बाबू भाई। यहाँ पे लगी है लाइन, सुबह का हो गया 7:30 बजे का टाइम, और सब लोग अपना अपना डीजल डालते हुए सब लाइन से और निकलते हुए साइड पर अपने बोझर वोझर आएगा प्लांट पर जाएंगे सब लोग। आज मोती काका ने सब जगह पानी मार दिया, धूल ना उड़े। ये अपना दूसरा टैंकर, दोस्तों ये जो एक्सेवेटर देख रहे हैं आप, ये कैट की, इसका स्विंग मोटर चला गया था, तो इसका स्विंग मोटर हमें रिपेयर हो गया, इसका गियर वेयर जो रहते हैं वो टूट गए थे, तो आज हो गई ये कंप्लीट, इसको हम कर रहे हैं फिट इसमें। गुरदयाल मिस्त्री लगे, गुरदयाल मिस्त्री आठ एक दिन तो खड़ी हो गई ना ये मशीन, 15 दिन हो गए, 8 दिन तो मेरे वाले की गाड़ी को जाएंगे। भाई यहाँ पे ये अपनी एक्सेवेटर है 240, रात को क्या हुआ इसका एक ये जो आप देख रहे हैं ना होस पाइप, ये यहाँ से थोड़ा नट लूज था, तो यहाँ से देखो ऑयल टपक रहा था, इतना ऑयल गिरा दिया, देखो लगभग 20-25 लीटर ऑयल गिरा दिया। अभी गेज में भी कम हो गया, अभी हम डाल रहे हैं इसमें ऑयल और इसको चालू करेंगे, क्योंकि अभी रनिंग में आई, इसका नया इंजन ओवरऑल हुआ है, अभी ऑयल डालते हैं इसके गेज में, ऑयल तो आना चाहिए थोड़ा बहुत। रात को ऑपरेटर की लापरवाही से देखो कितना ऑयल गिर गया था पूरी मशीन। उल्टी कर देना उसके अंदर ही, रख दे और करो, कर दे उल्टी, भाई ये मशीन है, ये काफ़ी दिन से खड़ी थी, हम लोग 6-7 महीने से खड़ी थी, अभी इसका इंजन और इंजन का काम हुआ है, पंप का भी काम हुआ है, और अभी बहुत दिन से जब क्या होता है ज़्यादा दिन मशीन खड़ी रहती है तो इसके सील वगैरह कुछ पाइप वगैरह प्रॉब्लम करते हैं, तो अभी कभी ये वाला पाइप फट जाता है कभी वाला पाइप, इसको रनिंग में आने में लगभग 1 महीना लगेगा फिर ये प्रॉपर काम करेगी। ये दोस्तों वोल्वो की ये 240 है, BLC आती है, ये 24 टन कैटेगरी में आती है। एक दिक्कत दोस्तों ये भी आ गई, ये देखो ये JCB रात को यहाँ क्रशर पे चल रही थी और चलते चलते रात को 3:30-4 बजे पे इसका भी सेल पे जल गया और ऐसी जगह खड़ी है जहाँ से हमें शिफ्टिंग करनी है, वहाँ पे अलग से रास्ता बना के शिफ्टिंग करें, बीच में खड़ी है यहाँ पे, ये तो क्रशर पे चल रही थी यहाँ पे कैंप के अंदर, तो इसका सेल अभी खोल के रिपेयरिंग के लिए लेके गए हैं, पर खड़ी है ऐसी जगह बीच में।
दोस्तों ये जो हाइड्रोलिक मशीन जितनी भी होती है उनका यही दिक्कत है, इसका जैसे लोडर रख दिया ना नीचे, अब ये ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, बस कुछ नहीं कर सकते, उसको धक्का भी नहीं मार सकते, हिलेगी भी नहीं है। ऐसा एक हमारा एक लोडर है, कल सीमेंट प्लांट से सीमेंट भरने गया वो एस्कॉर्ट वाला, वहीं पर उसका सेल पे जल गया, तो वो भी अब ऐसे ही खड़ा है, वरना आगे जा रहा ना पीछे, उसके गेट पर खड़ा है गोडाउन के। एग्रीगेट पे स्लिप हो रही है मशीन, देख लो भाई 240 का पावर देख लो आप, ये बोलो बस। मशीन तो ज़बरदस्त है, इस मशीन से मैंने बहुत काम किया, बहुत हार्ड, जब हमारी 210 जहाँ फेल हो जाती थी हम इसी मशीन को वहाँ पे लगाते थे, ज़बरदस्त मशीन है, पर थोड़ा रीसेल वैल्यू कम है क्योंकि 240 मार्केट में कम चली, पर मशीन मेरे हिसाब से ज़बरदस्त मशीन है ये। बहुत ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर क्रशर का बेल्ट भी है। ये आ गए अपने टिपर दोस्तों, ये BS3 टिपर हैं, ये इनमें नॉन यूरिया वाले टिपर है, ये टिपर मेरे को सबसे अच्छे टिपर लगते हैं क्योंकि इनमें यूरिया नहीं डलता और BS3 के हिसाब से, और इनमें नॉन इलेक्ट्रिकल है, ये सादा इंजन वाले हैं टाटा के, एकदम सादा गाड़ियाँ, दबा के चलाने वाली गाड़ियाँ हैं वो, जो BS4 जब से आने चालू हुए टाटा के उनमें इलेक्ट्रिकल बहुत है, कभी लैपटॉप लगाओ यूरिया डालो खिंचाई कम हो गई, रेस नहीं पकड़ रही, बहुत समस्या है, इनमें कोई समस्या नहीं, सादा गाड़ियाँ हैं। भाई देखो कितनी दूर खड़ी है मशीन और फिर गाड़ी लोड कर रही, इसकी बूम स्टिक इतनी बड़ी है कि आपकी गाड़ी इजीली भर रही कितनी दूर से भी, पहले यहाँ थोड़ा सा एक गाड़ी भर लेगी तो यहाँ से क्या जगह बन जाएगी मटेरियल लोड करने, फिर मशीन नीचे ले लेंगे। भाई यहाँ पे कर रहा है ये वाले का इंजन विंजन का कुछ काम था, पहले मार लेते पानी इंजन में, इंजन खोलेंगे इसका, ये अपना कंक्रीट पंप है, इसका देखो प्रेशर, देखो दबा के प्रेशर है 120 के बाद, दो मिनट भाई देख लो ये बूम पंप का प्रेशर है, आज बूम पंप से अपनी गाड़ी धो लेते हैं थोड़ी। बहुत मशीनरी खड़ी है रिपेयरिंग के लिए, कैट का ग्रेटर भी खड़ा है और वो एक्सेवेटर भी है, 5 नंबर है वॉल्वो की, इसका प्रेशर थोड़ा सा कम है, उसका ज़्यादा रहता है आपका कर्व मशीन का, बस ठीक है। तो ये वाला जो हमारा लोडर है इसका चल रहा थोड़ा इंजन का काम करने वाले हैं, रिंग डालने वाली है, ज़्यादा कुछ काम तो नहीं है, रिंग डालने वाली है इसमें, और ये भी नीलामी वाला है, 434 मॉडल है JCB का, और ये वाला जो लोडर है हमारा ये भी 434 है, ये गर्म हो रहा है, इसका कंप्लीट होने के बाद जब चालू हो गया तो 120 टेम्परेचर जा रहा है, थोड़ा सा लोड में चला दो क्या इशू है समझ में नहीं आ रहा, वही देखने वाले हैं अभी, इसको कर रहे हैं आइडल स्टार्ट है ये, और थोड़ा ठंडा करते हैं इसको, या तो इसका रेडिएटर का कुछ प्रॉब्लम है या कुछ पाइप जाम है, क्योंकि तो ये सालों से खड़े थे, अभी चालू हुए 4-5 दिन हुए चालू हो के, अभी रनिंग आने में लगभग 1 महीना तो लग जाएगा इनको, खैर चलो चलते हैं अब। भाई क्या सामान लेने आए तुम यहाँ पे? पेंट, येलो पेंट लेने आए भैया यहाँ पे, एसी चेक कराना। एसी क्या चेक कराना, अपना एसी खराब है अपनी गाड़ी का, पल्लू बाजी कर रहे हैं ड्राइव, अपन बैठे थोड़ा शांति से, रश बहुत है आज बाजार में भाई, मैंने वीडियो बनाकर आगे बांटी जा रहा देख लिया भैया, ये जो होटल है भैया ये रसोई यही होटल, बस बैतूल में थोड़ा ठीक ठाक है, बाकी तो सब ऐसे ही है, खाना वाना रेस्टोरेंट वगैरह ठीक है यहाँ पे अगर आप आते हो तो। चालू रसोई होटल में खाना खाया भाई, लो भाई आ जाओ खाना खा लो, आज ही तो चालू हो गए, अपन भी होते हैं यहाँ पे चालू, पता नहीं क्या क्या है करी यार भाई, तुमने गाड़ी क्या ना गेट भी नहीं खोलता,
आज मेरे से कुछ गाड़ी चलाने की इच्छा नहीं हो रही। आज पाजी चला रहे हैं गाड़ी, पर ढीले ड्राइवर है, थोड़ा ढीले कहो बोले तो बहुत हैवी ड्राइवर बन जाएंगे। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਚ ਰੋਂਦ ਖਿੰਦੇ ਨੇ ਸਨ ਰੂਫ ਨਾਲ ਖੈ ਖੈ ਧੁੱਪ ਤੁਰਦੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪ, ਇਹ ਸੋਲਿਸ ਕਾ ਹੈ, ਮੇਡ ਬਾਈ ਯਾਨਮਾਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਪਾਨ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਰੋਡ ਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਟਰੈਕਟਰੋਂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜੋ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ 50-15 ਹੈ ਸੋਲਿਸ ਕਾ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ ਤੋ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਨਕਾ। बताता हूँ इनके बारे में, सबसे पहले बात करते हैं इनके टायरों की। तो ये 750-16 के टायर हैं बाहर के, आगे वाले और पीछे के जो इसके टायर हैं वो हैं लगभग 1428 के टायर हैं। और ये आप इसका वॉक अराउंड देख लो चारों तरफ से, और ये इसका फ्रंट, इसमें प्रोजेक्टर आते हैं भैया, इसमें पहला ट्रैक्टर देखा मैंने जिसमें प्रोजेक्टर आ रहे हैं देखो। और साइड से इसका ड्राई टाइप का एयर क्लीनर रहेगा इसमें, यहीं पर सिंगल पीस बोनट के साथ आता है, खुल जाता है। और इसकी साइड में ये आप देखिए, इसका बैटरी बॉक्स नहीं दिख रहा सर, हाँ बैटरी बॉक्स शायद इसके अंदर ही होगा यहाँ पर, और दिखा देता हूँ ये देखिए, पीछे से भी दिखा देता हूँ दोस्तों। टायरों के बारे में बात कर रहे थे, तो ये देख लीजिए 1428 की टायर है इसमें। ये इसका पीछे का हिस्सा है आप देख लीजिए, अभी ये यहाँ से जा रहे हैं शोरूम पे जा रहे होंगे, तो खड़े थे तो मैंने वीडियो बना लिया इनका। इसका पीछे का हिस्सा है ये हिच टॉपलिंग, और ये सब कंप्लीट ही आ रहा है इस ट्रैक्टर में। ये देखो आप डुअल एक्टिंग, ये आपका जो वॉल होते हैं ये भी आते कंप्लीट आ रहे हैं ट्रैक्टर के साथ ही। साथ में आपका पीछे ये रिफ्लेक्टर गार्ड भी दिया हुआ है, बॉटल होल्डर भी दिया हुआ है। दोस्तों बात की जाए इसके प्लेटफॉर्म की, तो ये देखिए इसका प्लेटफॉर्म काफ़ी फ्लैट टाइप का है, और बाकी ये एक्सीलेटर का दिख रहा है, ब्रेक का दिख रहा है, साइड शिफ्ट का गियर है इसमें। 5 साल की वारंटी आती है इसकी है। एक बार भाई मैं बिठा के देखता हूँ ऊपर, फिर देखता हूँ उसमें कुछ इस टाइप का है इसका। ये डिजिटल मीटर है इसमें, ऑयल आपका डीजल का दिया हुआ, आरपीएम मीटर दिया हुआ, डिजिटल डिस्प्ले है, और टेम्परेचर का दिया हुआ। ये इसकी स्टेयरिंग है, ये आपके इसके टाइप यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये इसकी लाइट के दिए हुए सारे स्विच, ये आपका एक्सीलेटर का दिया है हैंड वाला, ये इसके ब्रेक हैं। ट्रैक्टर बहुत ज़बरदस्त है, विजिबिलिटी भी शानदार है। इसका यहाँ पे कहाँ साइड मिरर दिया हुआ है, और ये गियर बॉक्स की बात की जाए तो देखिए इसका पांच फॉरवर्ड वाला गियर बॉक्स है इसमें, ये आप यहाँ पर देखिए। इधर आप इसके लिफ्ट के लीवर हैं, ये लो मीडियम हाई है, ये इमरजेंसी स्विच भी है इसमें। तो सर एक क्विक वीडियो बनाया है छोटा सा मैंने, अब भाई निकल रहे हैं यहाँ से, देखिए निकल गए। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल